केंद्र सरकार की सहमति से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब 6 और राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त कर दिया है। बदलाव की ये बयार यूपी से लेकर नागालैंड तक बही, जहां कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए गए तो कहीं किसी का तबादला कर दिया गया। तो किस राज्यों को मिला कौन सा राज्यपाल, आइए देखते हैं। पिछले कई दिनों से राज्यों के राज्यपाल बदलने का सिलसिला चल रहा है। अभी हाल ही में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, तो वहीं अब 6 और राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम आनंदीबेन पटेल का है, जो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होंगी। इससे पहले राम नाईक यूपी के राज्यपाल पद पर थे। आपको बता दें कि इससे पहले आनंदीबेन गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री थी, मगर इस पद से इस्तीफा देने के बाद 19 जनवरी 2018 को उन्हें मध्य प्रदेश की राज्यपाल की कमान सौंप दी गई। वहीं अन्य राज्यपालों की बात की जाए तो लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, वो अभी बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान लालजी टंडन की जगह लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री फागू चौहान को फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया। रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आर एन रवि को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले आर एन रवि को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का उप सुरक्षा सलाहकार चुना गया था। इनसे पहले आंध्र प्रदेश में विश्वभूषण, छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके, हिमाचल प्रदेश में कलराज मिश्र और गुजरात में आचार्य देवव्रत को गवर्नर पद सौंपा गया था। तो अब एक हफ्ते से जारी बदलाव का ये सिलसिला कब थमता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।